अभी जा रही हूँ कस्बा काली मंदिर मेला में। भद्र मास की अमावस्या पर ये मेला होती है, एक बहुत ही बड़ा मेला होती है। तो अभी मैं सुबह की टाइम जा रही हूँ थोड़ा सा माँ काली को दुख अर्पित करने के लिए। सुबह की टाइम आई हूँ मेरे गांव में। ये मेरे घर के पास ही है। बाइक से जाती हूँ तो 10 मिनट या 15 मिनट लगते हैं ना, कितना टाइम लगेगा? 10-15 मिनट लगेगा। तो अभी मैं जा रही हूँ कस्बा कालीबाड़ी मंदिर में, तो फोन करते रहना मेरे ब्लॉग को। तो अभी मेन रूट पर आ चुकी हूँ, थोड़ा सा कस्बा कालीबाड़ी रूट को भी देख लेना। कस्बा कालीबाड़ी रूट को भी थोड़ा दिखाऊँगा। तो यहाँ पर पार्किंग करने के लिए बोल रहा है, पार्किंग तो 30 टका वो तो बेसी की 30 टका तो बेसी हो जाएगा। और सरकार अरे ये सोसाइटी तो 20 टका रहे, हम तो 30 टका हम पब्लिक हैं मैन। हाँ तो पैदल से जाना पड़ेगा। तो अभी हम लोग जा रही हूँ पैदल से ही। तो यहाँ से पैदल से जाना पड़ रहा है हम लोग। हाँ मुझे मना ना को हाँ माँ काली का पूजा होगा, इसी कारण सुबह की टाइम आना पड़ा। तो ये मंदिर हमारी कमला सागर की लास्ट बॉर्डर पर है, बांग्लादेश बॉर्डर पर, बांग्लादेश त्रिपुरा की बॉर्डर पर है ये मंदिर, एकदम लास्ट सीमाना पर है ये। पैदल से कितना दूर जाना पड़ेगा? 1 किलोमीटर। वाह इतना दूर हटना पड़ेगा फिर से। इसी कारण भद्र मास अमावस्या की मेला पर आने के मन नहीं करता, यहाँ से पैदल से जाना पड़ता है। 1 किलोमीटर का रास्ता है, बहुत ही कष्ट होती है यहाँ से पैदल से जाने से। अंदर गाड़ी का अलाउ नहीं है, गाड़ी जाने का कोई बाइक गाड़ी किसी को भी अलाउ नहीं करता, बाइक या कार कोई भी किसी को भी जाने के अंदर नहीं है गाड़ी लेकर। तो इसी कारण पैदल से जाना पड़ता है। तो सुबह के टाइम लोग काफ़ी कम ही होगा, शाम में ज़्यादा होगा। तो हमने पहुँच चुकी हूँ, ये है बांग्लादेश का बॉर्डर, बांग्लादेश और त्रिपुरा का। वो बॉर्डर यहाँ पर इस गेट से ही त्रिपुरा और बांग्लादेश का एक बाजार होता था, गेट के अंदर में 4-5 साल पहले यहाँ पर बाजार होती थी, लेकिन अब बंद है। मेले में सामान बेचने के लिए तैयारी कर रहा है अभी दुकान वगैरह।
तैयारी कर रही है। पूजा देखा दाम बेसि बार गए ও এসে মাস মাস এসে দাম যাবে 400 400 আমি গত মাসে আই পড়ছি মায়ে গেছি দিস 20 টাকা একটা ফুলের মালা আরে কই না এটা আরে আন লাগে सिस्टर ऑफ लाइफ क्या क्या बा शिवर मदद थे बोझा गेस ना देखी बना चाहता
Con mi parking te viste, ¿no?